के न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 44 में गरीबी का जीवन गुजर बसर कर रही छरिया के जेलगोड़ा पोस्ट ऑफिस के समीप रहने वाली महिला दो पुत्री की मां सुनीता देवी अपने 40 वर्षीय कैंसर से पीड़ित पति मनोज कुमार चौहान के इलाज के लिए कर रही किसी मसीहे का इंतजार। ठेका मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं मनोज। सुनीता ने बताया कि 4 वर्षों से पति कैंसर से पीड़ित है। किसी तरह कर्ज लेकर भलोर में CMC अस्पताल में 4 बार केमोथेरेपी करा चुकी है। अपने पति के इलाज के लिए सुनीता ने घर का सामान तक बेच दिया है। अब तो अपने पति के इलाज के साथ साथ सुनीता को घर भी चलाना पड़ रहा है, जिसके कारण सुनीता आसपास के घरों में काम कर रही है, किसी तरह दो वक्त की रोटी जुगाड़ कर रही है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। पाई पाई जमा कर सुनीता अपने पति के लिए दवाइयां जुगाड़ कर रही है, लेकिन अब सुनीता को यह डर सता रहा है कि इतनी बड़ी रकम ऑपरेशन के लिए कहां से आएगी। सुनीता ने यह भी बताया है कि लाल कार्ड तो है, लेकिन आयुष्मान योजना कार्ड के लिए अभी अप्लाई ही की है। साथ ही सुनीता ने यह भी बताया है कि भैलोर के अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड का कोई अहमियत नहीं है, जिसके कारण अब इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना काफी मुश्किल है। वहीं भैलोर के डॉक्टरों का कहना है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना जरूरी है। भैलोर के डॉक्टरों ने 28 दिसंबर को पति के ऑपरेशन की बात बताई है। अब अपने पति का इलाज कराने में असमर्थ सुनीता ने जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही एक सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह ने उन्हें हर संभव सहयोग देने की बात कही है और साथ ही साथ समाज और जिला प्रशासन से भी सहयोग देने की मांग की है। सुनीता जी, ये कौन है जो बगल में बैठे हुए थे आपके? हस्बैंड है। क्या हुआ इन्हें? इन्हें कैंसर है। कब से? 4 महीने पहले पता है चला है सर। क्या क्या अभी तक आपने जब से पता चला है तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? जी, पता जब से चला तब से तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया क्या खर्चा, उस समय भी हमको पता नहीं चला। जांच हुआ तब पता चला कि इतना इतना खर्चा है, फिर भी कर्जा महाजन सब परिवार के सहयोग से अभी तक तो हम लोग 4 लाख रुपये खर्चा कर चुके हैं और अभी भी इससे भी बहुत ज़्यादा खर्चा है हम लोग का। क्या डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर तो बोले हैं सर कि ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो जाएंगे, फिर कीमोथेरेपी है, उसके बाद में फिर हम लोग को फिर जाना पड़ेगा सर जांच में। मतलब अब आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है? पैसे नहीं। लाल कार्ड है आपके पास? मनोज कुमार चौहान है। मनोज जी, क्या हुआ आपको, क्या दिक्कत है? ये पेट में लीवर में कैंसर है सर। कब से है ये? 4 महीने पहले पता चला हमको। क्या किया अभी तक आपने? अभी तक CMC बिलौर में ट्रीटमेंट हुआ, इससे पता चला कि पेट में कैंसर है और अभी तक 4 कीमोथेरेपी चल चुका है, वो भी बहुत मुश्किल से, इधर उधर से कर्जा महाजन करके पैसा इकट्ठा करके 4 कीमोथेरेपी अभी तक कंप्लीट हो चुका है और अभी बहुत पैसा का ज़रूरत है सर। 28 दिसंबर को हमारा ऑपरेशन का डेट है और लगभग 3 लाख रुपये भी और खर्चा है सिर्फ ऑपरेशन में। ऑपरेशन के बाद 4 कीमोथेरेपी और चलेगा, जिसमें 3 लाख रुपये और खर्च है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते थे सर। डॉक्टर क्या बोला, कितना मतलब जल्द ऑपरेशन कराना हो, क्या होगा नहीं अगर उस 28 दिसंबर को डॉक्टर डेट दिया है ऑपरेशन का और वो जल्द से जल्द कराना बहुत जरूरी। लाल कार्ड है आपके पास? जी। स्वास्थ्य बीमा तो आया हुआ है प्रधानमंत्री योजना के तहत, स्वास्थ्य बीमा लागू हुआ है 5 लाख का, वो क्यों नहीं आप अभी तक यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको लेकर के कहीं गए? ये अभी रिसीवर तो दिया गया था और अभी कार्ड बना नहीं है उसके लिए। तो आप लोग आए हुए? ये जेलगोड़ा पोस्ट ऑफिस के बगल की जगह है, काफ़ी गरीब परिवार है और इसके बड़े भाई टेम्पू चलाते हैं, एक भाई मजदूरी करता है, ये भी खुद मजदूरी करता था। तबीयत खराब हुई तो लोकल में चेकअप कराया तो पता लगा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, ये सुन के गए CMC में, वहाँ डिटेक्ट हुआ कि इनको कैंसर है लीवर में, तो इमीडिएट कीमोथेरेपी का बात आया। एक कीमोथेरेपी में 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, तो ये लोग अरेंज करके घर के बर्तन तक बिक गए उसी इलाज में आज, और सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। पार्षद से भी इन लोगों ने संपर्क किया तो पार्षद ने कहा हमारा कोई सुनता ही नहीं है, इनके जैसे बड़े भाई ने हमें कहा। तब हम लोग आए
और तब एक चौथा स्तंभ आप लोग हैं मीडिया। सर जो लाल कार्ड के तहत प्रधानमंत्री एक स्वास्थ्य योजना जो चलाई है उसमें क्या लाभ मिल इन्हें लाभ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला, उस हॉस्पिटल ने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है सीएमसी में। अब क्या परेशानियाँ आ रही है, क्या दिक्कतें हैं इनको? दिक्कत है कि जीवन बचाना है और ये जीवन कैसे बने, समाज के लोग आ गए हैं, सरकार आ गया है और इस गरीब आदमी का दो दो बच्चियां हैं, एकदम नौजवान लड़का है, जीवन बचे यही एक लक्ष्य है, इसी में हम लोग समाज कार्य करता है और समाज से सहयोग की अपील कर रहे हैं।